नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दिस इज अ पार्ट टू ऑफ विडो स्क्राइब ट्यूटोरियल टू। ठीक है, ये पार्ट टू है। आशा करता हूँ कि आपने मेरा पार्ट वन विडो स्क्राइब ट्यूटोरियल देखा। नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, नहीं तो ये दूसरा सेकंड पार्ट समझ में आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है। तो लास्ट पार्ट में मैंने इमेज के प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बताया था, तो उस पार्ट में मैंने सब कवर कर लिया था। ठीक है, ये सब ऑप्शन तीनों सब ऑप्शन आपको मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, एनिमेशन टाइम, पॉज टाइम, ये सब आपको डिटेल में बताया था। अभी ट्रांजिशन टाइम के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो ट्रांजिशन टाइम क्या रहता है पता है? मतलब एक इमेज के बाद, समझो अभी होम का इमेज है, बाद में जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, बराबर, तो इसमें ये ट्रांजिशन टाइम आपको कितना रखने का है, कम ज़्यादा, तो आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको 1 सेकंड रखा है, तो प्ले करके देखते हैं। तो इसका जो एनिमेशन टाइम है 8 सेकंड है, तो ये पूरा 8 सेकंड लेगा ड्रॉ करने में। बाद में पॉज का 0.5, तो पॉज होगा तो बाद में 0.1 सेकंड में इस नेक्स्ट इमेज में जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अभी मैं आपको एक्सटर्नल इमेज अपलोड कैसे करने के वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूँ। तो इधर से आप अपलोड कर सकते हैं जो भी आपको एक्सटर्नल इमेज चाहिए हो। ठीक है, तो इसमें जो जो सब जो डिफॉल्ट इमेज रहते हैं वो एसवीजी फाइल रहते हैं। एसवीजी फाइल मतलब अभी समझो कोई भी आप इमेज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो ये लड़के का इमेज मैंने इंसर्ट किया है तो डॉट एसवीजी फाइल का इमेज है। मतलब समझो अभी इसको प्ले करेंगे तो हैंड टू हैंड ऐसे ड्रॉ होते हैं, बराबर। और समझो आपने सादा इमेज में डाल दिया, ओके, नॉर्मल इमेज पेस्ट कर दिया, तो मेरा एक नॉर्मल सैम्पल इमेज आपको मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ कैसे प्ले होगा। है, ये नॉर्मल इमेज इधर मैंने इंपोर्ट कर लिया है, तो देखेंगे आप। तो इसको मैं प्ले करता हूँ। तो ऐसे ये पूरा आउटलाइन के साथ ड्रॉ नहीं होगा, खाली ऐसे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको समझो पूरा आउटलाइन के साथ ड्रॉ करने का है, तो आपको ध्यान में रखना है कि डॉट एस वी जी और एक्सटेंशन वाला ही फॉर्मेट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे नॉर्मली ऐसे ऐसे नॉर्मली ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एसवीजी फाइल भी एक डाउनलोड करके रखा है, तो आपको दिखा दूंगा कैसे अपलोड करने का है। ठीक, नॉर्मल। तो देखिए मैंने अभी ये नॉर्मल डॉट एसवीजी फाइल आप इंपोर्ट कर लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं प्ले करके। तो देखो ये पूरा आउटलाइन के साथ ड्रॉ होता है, तो आपको समझो कोई भी एक्सटर्नल इमेज आपको इंसर्ट करने के है, तो मतलब आप डॉट एस वी जी फाइल रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो पूरा वो आउटलाइन के साथ ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने पूरा इमेज प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट मॉर्फ कैसे करते हैं वो आपको पूरा डिटेल में अभी इसमें बताता हूँ। ठीक है, मॉर्फ करते टाइम मतलब कैसे रहते हैं, समझो अभी ये इमेज है इसका, ये लड़के का इमेज है, तो हमको उसको चेंज करने के, तो हम किसी भी इमेज में उसको चेंज कर सकते हैं। समझो अभी मैं अभी अब और कॉपी आपको दिखाता हूँ एक इमेज सैंपल में। ठीक है, तो अभी मैं मेरे पास कुछ इसमें से इमेज है, तो इसमें से ही मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो ये इंसर्ट होगा। ठीक है, इमेज, ठीक है, तो इसको आपको जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके प्रॉपर्टीज में जाने का, तो इसमें देखेंगे तो आपको एक मॉर्फ ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मॉर्फ आपको किस किस इमेज के साथ करने का है, तो आप किसी भी इमेज के साथ मॉर्फ कर सकते हैं, तो अभी मुझे इसके साथ करने का है। ठीक,
तो उसमें आप टाइम ऑप्शन जैसे चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एनिमेशन पॉज ट्रांजिशन, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्ले करके दिखा दूँ आपको। देखा आपने? तो आप ऐसे इस तरह किसी भी इमेज को वार्प कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार दिखा दो अप्लाई करके नास्ट होने। ओके चलिए, तो और एक आपको एक करके दिखा दो फिर से दूसरा इमेज। तो मतलब आप कौन सा भी इमेज कर सकते हैं। समझो अभी मैं इमोजी का एग्जांपल देता हूँ आपको। इसके प्रॉपर्टीज में जाने का और उसको मतलब मॉर्फ कैसे करने गए, किसके साथ करने गए, तो मॉर्फ का ऑप्शन सिलेक्ट करके मुझे अभी इसे इसको रिप्लेस करने गए, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, सेव करता हूँ पहले, बाद में इसको प्ले करके देखता हूँ कैसे दिखता है। देखा आपने? तो बहुत ही आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करके भी आराम से हो सकता है। तो फिर से आपको चाहिए तो दिखा दो प्ले करके। ओके तो ऐसे आप कोई भी इमेज मॉर्फ कर सकते हैं किसी के साथ भी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको मॉर्फ के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। तो अभी मेरा थोड़ा सैम्पल प्रोजेक्ट थोड़ा सा रेडी हो गया, मतलब रफ प्रोजेक्ट मैंने आपके लिए बनाया था। तो आपको दिखा दो मैं पूरा से प्ले, पूरा कैसे प्ले करते हैं। ओके 1-2-1, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट प्ले करने का बटन है और ये सिंगल इमेज प्ले करने का बटन रहता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट प्ले करने का, ठीक है। आपको समझो पूरा स्टार्ट टू एंड प्ले करने का है, इसका टाइमलाइन है, तो इसकी सिक्वेंस इमेज का सिक्वेंस रहता है। ओके तो अभी मैं उसको प्ले करके दिखा दो आपको, एक रफ प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। तो उसमें मैंने आपको इमेज टेक्स कैसे डालने के वो सब बताया है, ट्रांजिशन टाइम कैसे रहता है, एनिमेशन टाइम कैसे रहता है, वो सब डिटेल में अभी इसमें ये बताया मैंने। ये मॉर्फ का ऑप्शन, ओके ये मॉर्फ अभी इसमें हो गया इधर, ठीक है। अब इधर भी मॉर्फ हो गया फिर से। ठीक है, तो इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। समझो आपको ये इमेज शिफ्ट करने का है, इधर भी सीक्वेंस चेंज करने है इमेज, तो इजी है। खाली इसको ड्रैग करके आप इधर भी इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, चाहे तो स्टार्ट में डाल सकते, इधर भी डाल सकते हैं। तो वैसे ही वो सीक्वेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अभी फिर से आपको प्ले करके दिखा दो कि होम के बाद। देखा वो इमेज चेंज हो गया और दूसरा सीक्वेंस आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे ड्रैग करके कैसे भी रिशफल कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो इसमें अच्छा ऑप्शन दिए है और बहुत इजी भी है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी मैंने पार्ट 1 में बताया था, फिर भी आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। कई कंट्रोलिंग का ऑप्शन है, किधर भी आपको मूव करने गया, एरो एरो की एक जिस डायरेक्ट में मूव करने है, देखने के आपका प्रोजेक्ट कैसे बना है पूरा, ठीक है। और इसके बाद जो में ये जूम का ऑप्शन है, जूम इन और जूम आउट का, तो आपको देखना पड़ेगा मतलब जूम कितना, मतलब जूम करके आप जूम आउट जूमिंग करके देख सकते हैं प्रोजेक्ट कैसे पूरा डिटेल में देखने के लिए, ठीक है। और ये जो दिख रहा है वो फुल फिट स्क्रीन का ऑप्शन है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट एक ही शीट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप इंसर्ट कोई भी टेक्स्ट और इमेज इंसर्ट करोगे,
ठीक है, मतलब एक मेरा दिखा दो फिर से, समझो अब इसका इमेज इंसर्ट कर रही है। ओके कि अब ये इमेज इंसर्ट हो गया है, तो इमेज इंसर्ट करने के बाद एक हमेशा चीज़ ध्यान में रखने का कि उसका जो कैमरा पोजीशन है हमेशा सेट करके रखने का, नहीं तो क्या होगा ना जब भी हम लोग इसको प्ले करेंगे। ओके अभी इसको मैंने सेट किया था तो इसलिए वो नहीं हो, हिला नहीं, समझो अभी इसको हम लोग प्ले करते हैं। अब इसका मैंने कैमरा पोजीशन सेट किया है, ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, तो ऐसे बार बार ड्रॉ होगा तो जूम इन नहीं होगा, नहीं तो समझो इसका अभी पोजीशन सेट नहीं है। समझो इसका पोजीशन में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो तभी देखो कैसे प्ले होता है। देखो ऐसे बीच में कैसे भी आ जाएगा, तो हमेशा ध्यान में रख लो कि मतलब जब भी कोई भी इंसर्ट टेक्स्ट इंस्टॉल इंस्टॉल करो इंपोर्ट करेंगे तो हमेशा इसका पोजीशन कैमरे पोजीशन फिक्स करके रखो, इधर समझो अभी किधर भी साइकिल साइड में रखने का है तो वैसे इधर रख दो पहले, पहले बाद में ये जो सेटिंग है तो ये सेट करके रखो, ठीक है, नहीं तो अपने आप को बीच में आ जाएगा और आपका प्रोजेक्ट खराब भी हो सकता है। ठीक है अभी मैं आपको इसमें जो शॉर्टकट्स है तो उसमें थोड़ा सा बता दूं, मैं अभी जब भी आप किसी भी इमेज और टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखते हैं इधर एक एरो आ रहा है। ओके किधर भी क्लिक करो आपको एक एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें आप मतलब ये शॉर्ट की उसने दिया है, मतलब आपको पूरा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, तो इधर से ही आप मतलब देख सकते हैं प्ले, ये प्लेट है, एनिमेशन टाइम है, उसका पॉज टाइम है और उसका है ट्रांजिशन टाइम है, जो भी आप थोड़ा शॉर्ट में करने का तो आप इधर से डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके और इसमें एक एक हाइट हाइट का भी ऑप्शन रहता है, तो आप चाहिए तो इमेज हाइट कर सकते हैं, तो आप इधर देख सकते हैं, इधर मैंने हाइट करता हूँ तो इधर ये इधर भी दिख रहे ऑप्शन अनहाइट, और मैं समझा आप गलती से कोई भी इमेज हाइट कर दिया आपने गलती से इधर से, आप और बाद में आप भूल गए तो आपको सारे इमेज देखने का आप इधर क्लिक करके सब अनहाइड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो मेरा अभी एक सैम्पल और रफ प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ठीक है, तो अभी मैंने एक इधर एक साउंड भी ऐड करके रखा है, तो आप भी मतलब जो चाहिए आप साउंड इसमें ऐड सकते हैं। ओके नहीं तो आप चाहिए तो आप खुद का भी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस ओवर। ओके तो थीम के हिसाब से आप अपना स्टोरी इसके साथ लिंकअप कर सकते हैं, तो इधर ये प्ले करते ही आप मतलब उसका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, तो आप वैसे सिंकअप करके अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वैसे। ठीक है तो अभी मैं इसको पूरा सेव करके और फिर से आपको पूरा प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो इधर सेव करने के लिए इधर शेयर का ऑप्शन है, ये शेयर का बटन है, तो इधर क्लिक करके आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट डाउनलोड करने के पीसी पे, यानी तो यूट्यूब पे डायरेक्ट शेयर करने के, वीडियोस का एक पेपर पब्लिश करने के, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ कैसे रहेगा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो आपने कौन से चाहे साइज में चाहिए टाइटल रहेगा या टाइटल रहेगा सब आप अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेम रेट क्या है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपका कौन सा टाइप चाहिए वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है तो इसमें से आप ले सकते हैं, तो ट्राई कीजिए जो डिफॉल्ट आ रहा है तो वही ले लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके तो अभी मैं इसको सेव करके आपको दिखाता पूरा स्टोर, देखो अभी मेरा ये वीडियो हो गया है, तो अभी मैं आपके लिए प्ले करके दिखाता हूँ कैसे दिखता है, तो अभी देखो ये पूरा एनिमेशन प्ले हो रहा है इधर, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कोई भी आपके स्टोरी के हिसाब से, तो पहले आप क्या कीजिए स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, बाद में आपका वॉइस ओवर इसके ऊपर रिकॉर्ड कीजिए तो पूरा वो अच्छा इफेक्ट देगा। अभी मैं इसमें म्यूजिक भी ऐड किया है पर ये म्यूजिक आपको सुनाई नहीं देगा, मुझे सुनाई दे रहा है। ओके तो मॉर्फ का इफेक्ट दिख रहा है, अभी इसमें भी मॉर्फ का इफेक्ट दिख रहा है फिर से। ओके
सॉरी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पूरा मैंने डिटेल में बताया ना। ठीक, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि पूरा थोड़ा शॉर्ट वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।